ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगनाललितं श्रीविशाखान्वितांश्च वञ्चकल्पातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्ण। तो अभी तक हम चर्चा किया कि कैसे सारे वानर सीता की खोज में है, अलग अलग दिशा में गए। तो दक्षिण में हनुमान और अंगदा और जाम्बवान और सब लोग। तो अभी तक सीता को नहीं मिला, बहुत परेशान है। तो अभी कम से कम समाचार तो मिला, संपत्ति जो जटायु के भाई थे संपत्ति, उन्होंने समाचार दिया कि सीता तो समुद्र के उस पार है लंका में, वहाँ रावण है और उनका जो शहर है। तो वहाँ पर जाने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन दिया। तो संपत्ति के ये समाचार देने से उनका जो श्राप था, मतलब उन्होंने श्राप नहीं था परंतु आशीर्वाद था एक्चुअली, जब वो सेवा करेंगे राम की समाचार देने से सीता के बारे में, तो उनको जो पंखा जो जल गया सूर्य के वजह से, तो वापस उनको मिल जाएगा। तो ऐसे हो गया। तो अभी सब लोग सारे वानर समुद्र के सामने हैं और समुद्र के पास है। अभी उसको पार करने के लिए कैसे करेंगे वो विचार हो रहा है, क्या कौन जाएगा, कौन वहाँ जा सकते हैं। तो अंगदा ने पूछा कि ये समुद्र कौन कूद सकते ऊपर, कौन खोद सकते। कौन सौ योजन तक खोद सकते। तो सब लोग ने बोला कि हम तो 10 योजन, कोई 20, कोई 30, कोई 40, 50, कोई नहीं था जो खोद सकते, समुद्र को पार कर सकते। जाम्बवान ने कहा कि मैं कर सकता था पहले जब वामन देव रूप के में थे, तो मैं कितनी बार उनका जो परिक्रमा किया पूरा विश्व को, लेकिन अभी तो मैं बूढ़ा हो गया, इसीलिए मैं कोड़ नहीं सकता इतना ज़्यादा लंका तक। तो अंगदा ने कहा कि शायद मैं कर सकता हूँ वहाँ तक, लेकिन वापस नहीं आ पाऊँगा शायद, तो ये रिस्क है, वापस नहीं आऊँगा तो वहाँ जाने का क्या लाभ होगा। और जाम्बवान ने कहा कि वास्तव में अंगदा के लिए कोड़ना लंका में वो उचित नहीं था, क्योंकि वो लीडर थे, वो सारे दक्षिण में जो कोच करते थे, वो टीम जो था उसका लीडर थे, इसीलिए उनको लंका जाना सही नहीं था, किसी को और जाना चाहिए। तो अभी कौन जाएंगे ये विचार हुआ। तब जाम्बवान ने हनुमान को देखा, उनने बोला कि आप कुछ बोलते नहीं, क्योंकि सब लोग अपने बारे में बोला कि मैं इतना खोद सकता हूँ, मैं इतना लंबा खोद सकता हूँ, लेकिन हनुमान ने कुछ नहीं बोला। तो जाम्बवान ने कहा कि हनुमान आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका शक्ति बहुत ज़्यादा है, आपके पास सारे शक्तियाँ हैं। तो तब जाम्बवान ने
हनुमान के इतिहास के बारे में बताया। तो हनुमान का जन्म कैसे हुआ, हनुमान की शक्ति जो है कहाँ से आया, इसके बारे में हम देखेंगे। वास्तव में सुमेरु पर्वत के आसपास वानर रहते थे और ये एक वानर का नाम था केसरी, उनकी पत्नी के नाम अंजना। तो अंजना बहुत सुंदर थी और वाना ने कि इस प्रकार एक बार वायुदेव अंजना से आकर्षित थे। तो उन्होंने अंजना को आलिंगन भी किया सूक्ष्म रूप में, वायु के रूप में। तो इस प्रकार बाद में उनका जन्म हुआ, हनुमान की का जन्म। तो हनुमान जब जन्म लिया तो उन्होंने जब पहली बार सूर्य को देखा, सूरज को सुबह विशेष, तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत बड़ा फल है, ये बहुत बड़ा फल है जैसे ऑरेंज है। तो इसीलिए वो खोट गए वहाँ सूर्य की तरफ, उन्होंने उड़ गया वहाँ तक जा रहे ये फल को खाने के लिए। तो इतना पावरफुल थे, वायु के पुत्र थे। तो जब वो ऐसे उड़ रहे सूर्य की तरफ, बनाने की वायु स्वयं उनके पीछे गया और उनको जो ठंडी हवा है पहुंचा कि उनको गर्मी नहीं लगेगा। सूर्यदेव स्वयं उन्होंने जो अपना धूप है, जो गर्मी है उसको बहुत कम कर दिया, कि वो जानते थे सूर्यदेव भी कि ये भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं हनुमान। तो लेकिन ये सब ठीक था जब तक उसी दिन क्या हुआ, राहु, वो समय था सूर्य ग्रहण करने के लिए। राहु का समय है कि वो सूर्य को ग्रहण करते, ग्रहण मतलब वो खा लेते। तो ये निश्चित समय है, निर्धारित समय ने दिया इंद्र राहु को कि साल में एक बार या जितनी बार वो कर सकते हैं। तो उस दिन वही दिन था, तो इसलिए राहु भी सूर्य की तरफ ऐसे गया सूर्य को ग्रहण करने के लिए। तो जब हनुमान ने राहु को देखा तो उन्होंने राहु को दबा दिया अवे, और सूर्य से अलग उसको अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, चलो इस प्रकार। तो ये राहु को डर गए, वो राहु डर गया, ये पाव, ये जो 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 राहु है वो स्वयं असुर है, वो भी बहुत शक्तिशाली है। और अब एक वानर, एक छोटा बंदर ने उसको ऐसे दबा दिया, तो वो सीधा इंद्र के पास गया राहु, और उन्होंने इंद्र को प्रणाम किया और बोला कि आज मेरा समय है, मेरा निर्धारित समय है सूर्य को ग्रहण करने के लिए, और अभी कोई और व्यक्ति, कोई आदमी और वहाँ जा रहे वानर सूर्य को ग्रहण करने के लिए, तो आप कुछ कीजिए उसके लिए। तो इंद्र तुरंत गुस्सा हो गया, तो ऐरावत पर बैठ गया और सूर्य की तरफ गया, हनुमान की तरफ। तो जब ये छोटा वानर हनुमान ने देखा कि ये ऐरावत इंद्र वो आ रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये भी एक प्रकार का फल है, दूसरे एक अलग प्रकार का फल उनकी तरफ जा रहे हैं। तो वो इंद्र की तरफ जाने लगा, इंद्र को ग्रहण करने के लिए। तो इंद्र को डर गया अभी क्या हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत वज्र को निकाल दिया और फेंक दिया हनुमान के ऊपर। तो वो वज्र हनुमान को यहाँ पर लग गया और वो बाद में मूर्छित हो गया और वापस पृथ्वी पर, भूमि देवी पर गिर गया। तो तब वायुदेव हनुमान के पिताजी, उनको बहुत दुख लगा। एक्चुअली उन्होंने सोचा कि ये मर गया अभी, तो वो मूर्छित थे नीचे। तो तब वायुदेव बहुत गुस्से थे, बहुत दुखी थे कि मेरा पुत्र ऐसा हो गया। तो इसीलिए उन्होंने पूरा वायु, हवा जो है पूरा ब्रह्मांड के अंदर में,
उसको बंद किया। इसका अर्थ है कि कोई भी प्राणी को श्वास लेना संभव नहीं था, ब्रीद करना असंभव। तो देवी देवता भी, ब्रह्मा शिव सब लोग, इंद्र, सबको बहुत दुख था, क्योंकि आपको पता है श्वास अगर नहीं कर सकते, अगर ब्रीदिंग नहीं कर सकते, कितना प्रॉब्लम है, कितना समस्या है तुरंत। जैसे कि अभी कोरोना वायरस है, तो लोग जब वो किसी को पकड़ लेते हैं तो वो लोग ब्रीदिंग नहीं कर सकते, लंग्स के अंदर में वो बंद हो जाते हैं फेफड़, तो बाद में वो ब्रीदिंग नहीं कर सकते, कितना परेशान है। तो इस प्रकार उस समय वायुदेव ने पूरा सबको बंद कर दिया, ऐसे नहीं कि किसी को, सबको। तो सारे देवता भी परेशान थे। तो तब देवी देवता इंद्र के पास गए, बाद में इंद्र और सब ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा ने सोचा भी कुछ करना है, तो तब ब्रह्मा जी ने वायु के पास गया और सारे देवता और प्रार्थना किया कि आप ये हवा दीजिए, हम लोग परेशान हैं, हवा दीजिए। तो वायु ने कहा, देखिए मेरा जो पुत्र है कितना कैसे परेशान है कि अभी मर गया, इसलिए मैं दुखी हूँ। तो तब ब्रह्मा ने सारे देवतों को संबोधित किया कि आप लोग सारे देवता, आप ये जो चौथा वानर है उसको आप विशेष आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध बाघ थे भगवान विष्णु के, और भविष्य में वो बहुत सेवा करेंगे भगवान की, इसीलिए आप सभी लोग सारे देवता आप हनुमान को आशीर्वाद दीजिए, विशेष आशीर्वाद। तब ये वायु जब सुना कि ऐसे उनको आशीर्वाद देंगे, तो हवा दिया श्वास लेने के लिए, तब सब लोग श्वास ले पाया। तो तब वर्णन है कि सूर्य देव ने क्या आशीर्वाद दिया, उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनका जो जो तेज है उसका 100 का भाग सूर्य के तेज को वो हनुमान को दिया, तो हनुमान से भी तेज आता है, सूर्य का 100 का भाग, 100 पार्ट ऑफ ब्रिलियंस। और सूर्य का और भी आशीर्वाद था कि हनुमान जब वेदों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का, तो तुरंत सब कुछ समझ में आएगा, उनको पूरा वेदों का याद होगा, सारे वेदों में जो भी भाग है वेदों का सब कुछ उनको समझ में आएगा, और शास्त्रों के ज्ञान में हनुमान से आगे कोई नहीं होंगे, वो सबसे बड़ा ज्ञानी होंगे शास्त्र में। बाद में यमराज ने आशीर्वाद दिया, यमराज का आशीर्वाद इस प्रकार था कि उनका मृत्यु दंड हनुमान को स्पर्श नहीं करेंगे, कर पाएंगे, वो मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे, यमराज की मृत्यु दंड से मुक्त, इसीलिए हनुमान चिरंजीवी है। चिरंजीवी मतलब उनका आयु असीमित है, मतलब वो कभी नहीं मर जाएंगे, अभी तक हनुमान जीवित है। तो इस प्रकार ये यमराज का आशीर्वाद था, और यमराज का और आशीर्वाद था कि वो सारे बीमारियों से मुक्त होंगे, कभी बीमारी नहीं होंगे हनुमान। तो बाद में कुबेर ने भी आशीर्वाद दिया कि हनुमान युद्ध में वो कभी पराजित नहीं होंगे, कोई उनको पराजित नहीं करेंगे। शिवजी ने आशीर्वाद दिया कि ये सारे जो अस्त्र हैं शिवजी के अस्त्र हैं उससे सुरक्षित होंगे, मतलब उनके जो अस्त्र है शिवजी के वो हनुमान को कोई परेशान नहीं करेंगे। जैसे कि अलग अलग अस्त्र, जैसे पशुपति शिवजी का अस्त्र जो विशेष है वो रावण के पास था, और बहुत सारे हैं, जैसे हस्तमुख की जो तलवार है, जिस तलवार से रावण ने जटायु की पंख काट दिया, वो भी शिवजी का तलवार है। वर्णन है कि रावण को इतना शक्ति नहीं था कि वो जटायु के पंख को काटेंगे, लेकिन वो अस्त्र
जो था हस्तमुखी तलवार शिव जी का, इसके वजह से उन्हें कट दिया, कर वो कट कर पाया। तो लेकिन ये शिव जी ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि कोई उनका जो आस्त्र है हनुमान को स्पर्श नहीं कर सकते। बाद में विश्वकर्मा ने भी कहा कि मेरा मैंने जो बनाया अस्त्र, विश्वकर्मा ने भी बहुत सारे अस्त्रों को बनाया, जो भी मेरे द्वारा बनाया हुआ दिव्य अस्त्र वो हनुमान को परेशान नहीं कर सकते और वो उनका आयु बहुत लंबा होगा, ये विश्वकर्मा का आशीर्वाद। उसके बाद ब्रह्मा ने और भी आशीर्वाद दिया कि ये वायु आपके पुत्र वो युद्ध में उसको कोई पराजित नहीं कर पाएंगे, वो सारे सारे शत्रुओं को धर पहुंचाएंगे और सारे मित्रों को बहुत अच्छा आश्रय देंगे और ये उनके पास शक्ति होगा हनुमान के पास कि वो कोई भी रूप धारण कर सकते, उनकी इच्छा के हिसाब से कोई भी रूप धारण कर सकते और कभी भी कहीं भी पहुंच सकते बहुत गति से, वो गरुड़ जैसे। गरुड़ और हनुमान ये दोनों भगवान के बड़े वैष्णव हैं और दोनों सबसे स्पीड में है, सबसे जल्दी पहुंच सकते कहीं भी गति से पहुंच पाएंगे। और कोई भी ब्राह्मण का जो श्राप है हनुमान को स्पर्श नहीं कर सकते, कोई भी सारे श्राप से मुक्त। और हाँ, जो भी उनका प्रयास होगा वो उसको कोई रोक नहीं पाएंगे और वो बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। अभी तक हनुमान प्रसिद्ध है, फेमस है, हम देख सकते हैं दक्षिण भारत में ये, हाँ आंध्र उड़ीसा गांव-गांव में हम देखा कि बहुत बड़ा मूर्ति बनाते हैं हनुमान का बाहर, कि पूरा गांव की रक्षा कर रहे हैं ऐसे। ऑफकोर्स मूर्ति ऐसे बाहर बनाना बिना छत वो सही नहीं है, यशोदा प्रभुपाद ने कहा कि मूर्ति को ऐसे रखना बाहर सही नहीं है, धूप है और पक्षी ऊपर जाते हैं और बारिश और ये सब, क्योंकि ये मूर्ति मतलब स्वयं वही व्यक्ति है जिनका हम बना, विशेष जो शुद्ध वैष्णव है हनुमान, वो स्वयं बाद में वहाँ प्रकट हो जाता है। तो ये बात है कि फिर भी जो भी है लेकिन हनुमान प्रसिद्ध है, सब लोग उनको जानते हैं आज भी। और ये भी ब्रह्मा ने आशीर्वाद दिया कि राम हनुमान की मदद से वो रावण को पराजित करेंगे, ये भी है। तो इस प्रकार हनुमान ने ये सारे आशीर्वाद प्राप्त किया और बाद में सारे देवता वापस गया, सबको श्वास आया, सब ब्रीदिंग कर सकते थे। उसके बाद वायु हनुमान को अपनी माँ को वापस दे दिया और तब क्या हुआ, हनुमान के पास इतना शक्ति हो गया तो इसीलिए उन्होंने अपने शक्ति को दुरुपयोग किया, क्योंकि चौथे थे, चौथा वानर, और सबको पता है कि वानर जो है मंकी बंदर वो बहुत परेशान करते हैं, बड़े बंदर भी वृंदावन जाएंगे तो कितना, वो आपके पास चश्मा अगर होगा ये मोबाइल से जो भी कोई वस्तु है आपके पास, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो बंदर इधर उधर से आएगा पीछे से और पकड़ते और लेके जाता है और आपको वापस नहीं मिलेगा। ये अगर आप दरवाज़ा कूलर रखा ये विंडो खिड़की तो बंदर अंदर आएगा पूरा सब कुछ इधर उधर फेंकेंगे ऐसा। तो इस प्रकार हनुमान ने किया ऋषियों के साथ, ऋषि और ब्राह्मण लोग जब तपस्या करते थे यज्ञ करते थे तो वो वहाँ पर आए थे और उनका जो सामान है पूजा के लिए यज्ञ के लिए उसको पकड़ लिया, तोड़ दिया, फेंक दिया इधर उधर,
और जानते थे कि ये लोग मुझे कुछ नहीं कर सकते, मैं श्राप से मुक्त हूँ, कोई मुझे पराजित नहीं कर सकते। तो इसे उन्होंने बहुत परेशान किया, उनके पिता माता ने बहुत समझाया और प्रयास किया कि ये नहीं करना है, फिर भी वो नहीं सुने, वो फिर भी ऐसा किया। बाद में ये सारे ऋषि मुनि ने मिलके एक श्राप दिया जो वास्तव में इस प्रकार का था कि ये जो वानर है उनके पास ये सब शक्तियाँ इससे परेशान कर रहे हैं, वो सारे शक्तियों को भूल जाएंगे, मतलब वो भूल जाएंगे कि उनके पास ये सारे शक्ति है, केवल अगर भविष्य में कोई व्यक्ति उनको याद कराएंगे उन्हीं के शक्तियों के बारे में, तब उनको ये सारे शक्ति उनको याद होगा और वो उसको उपयोग कर पाएंगे। तो इस प्रकार ऐसे ये श्राप मिलने से मतलब ये हनुमान सामान्य बंदर बन गया, मतलब उनके पास कोई उन्होंने कोई परेशान नहीं किया, भूल गया सिंपली। अभी जब सीता की खोज में थे, अभी जब जम्बवान हनुमान को याद कराया कि आपके पास शक्ति है, आप कर सकते हैं, आप खोज सकते हैं लंका तक, तब उनको याद आ गया, हाँ आप मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। और यही उनका उत्तर था जब सब लोग बोला और हम विशेष जम्बवान कि आपके पास ये सारे शक्तियाँ हैं, तो उनको सब याद आ गया। तो ये हनुमान का जो इतिहास है। तो हाँ, तो अभी हनुमान ने कहा कि मैं करूँगा। तो उन्होंने अपने शरीर को विस्तार किया 50 गुना। हमें बताया वानर से कि ये जो वानर थे काफ़ी बड़े थे, नॉर्मल बंदर नहीं, वो बहुत बड़े बंदर थे ऐसे भी नॉर्मली, लेकिन अभी हनुमान ने वो रूप 50 गुना और विस्तार किया, एक्सपेंड किया। और उन्होंने पूछा अभी अनगादा जम्बवान भी थे कि कौन, मुझे क्या करना है, मैं लंका जाऊंगा, रावण को मारूंगा, इस सारे सेना को मारूंगा, सीता को वापस लेके आऊंगा, ये मैं पूरा लंका को उठाऊंगा और राम के पास लेके जाऊंगा, मुझे क्या करना, उनके पास इतना शक्ति है हनुमान। तो अनगादा ने कहा कि आदेश इस प्रकार की, सुग्रीव का आदेश इस प्रकार का है कि पहले समझना है, पहले लोकेट करना कि सीता कहाँ है और सीता ठीक है कि नहीं, सीता कहाँ, और ये समाचार आप देखिए और ये समाचार आप बताएंगे। बाद में सुग्रीव राम लक्ष्मण ये सब लोग डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है, ठीक है। उन्होंने प्रणाम दिया और थोड़ा कुछ माइल पीछे गया, ये जो महेंद्र पर्वत था, महेंद्र एक बड़ा पर्वत था, उसमें वानर ने बहुत सारे ऋषि ने तपस्या भी किया, बहुत बहुत सुंदर जगह था। हनुमान जब वहाँ आ गया तो पूरा पर्वत हिलने लगा, और वहाँ उन्होंने सबसे पहले वायु को अपने पिता को प्रणाम किया और उस वो उसके बाद तैयार किया कूदने के लिए। तो वानर है कि पूरा पर्वत हिल गया, बड़े सांप वहाँ थे, सांप ने वो पत्थर को काटने लगा गुस्से से, ऐसे वानर ने। और जब जब हनुमान कूद गया तो ये जो पूरा पर्वत है मिट्टी के अंदर में पूरा दब गया, मतलब हनुमान ने जब जंप किया तो पूरा पर्वत को दबा दिया अंदर, मिट्टी के अंदर पूरा महेंद्र पर्वत। तो ऐसे कूद गया तो सारे वानर देख रहे हैं, वाह। नहीं जैसे कि कभी कभी कोई एयरप्लेन है तो बहुत बहुत नीचे जा रहे, ऐसे हम हर दिन नहीं देख सकते, देखते बट ऐसे देखते सब लोग देखते ऊपर वो। तो ऐसे ये सारे बंदर आश्चर्य लगा सबको, वाह हनुमान कैसे क्या। तो सारे वानर और विशेष वो जम्बवान ने कहा कि आप जाओ वहाँ और हम यहाँ पर प्रतीक्षा करेंगे आपके लिए। तो अभी हनुमान कूद गया,
और वर्णन है कि जब वो कूद गए तो ये अलग अलग वृक्ष, घास, फूल वो उनके पीछे गए हैं ना। कि आप कभी देखा को जो कि कोई गाड़ी है तो बहुत गति से कोई चला रहे गाड़ी, तो जो भी रास्ते में आता है वो कुछ कचरा है, पेपर है, ये मिट्टी है, ये पत्ते हैं, तो वो सब उड़ जाते उसके पीछे से। वो हवा जो खींचता है, जो गाड़ी खींचते हैं, तो वो सब उसी हवा में गाड़ी के पीछे जाते, कुछ समय बाद में गिर जाता है। तो इस प्रकार जब हनुमान कूद गए तो बहुत बड़े वृक्ष सब उसी हवा जो है, उसी हवा ने खींच लिया उनके पीछे। लग रहा है कि उदाहरण दिया गया कि जब कोई यात्री बहुत लंबा यात्रा के लिए जा रहे हैं तो उनके जो रिश्तेदार हैं तो उनके पीछे जाते कुछ समय छोड़ने के लिए। तो वानर ने ऐसे कि हनुमान कूद गया तो ये सारे वृक्ष, फूल, घास उनके पीछे ऐसे एक बड़ा लाइन लग गया उनके पीछे, वो खींच लिया और बाद में सब कुछ समुद्र में गिर गया। लेकिन हनुमान अभी उड़ रहे लंका की तरफ। और अभी यहाँ पर एक बहुत अच्छा विचार है हनुमान का। हनुमान जब कूदने से पहले क्या बोला, जय श्री राम, उन्होंने राम नाम बोल के कूद गए। तो हनुमान ने विचार किया कि जो संपत्ति ने कहा, संपत्ति जो जटायु के भाई थे, उन्होंने कहा कि जब वो वहाँ जाएंगे आप लोग लंका में तो राम नाम बोल के जाना है, राम को याद करना, तो इस समुद्र को पार करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि राम नाम बोलने से व्यक्ति भाव सागर को पार कर सकते। भाव सागर मतलब जन्म मृत्यु की सागर, मोह माया को पार सकते व्यक्ति केवल राम नाम बोलने से। तो ये हनुमान ने याद किया कि हाँ सही बात है। उन्होंने कहा कि ये जो संयोजन है ये कुछ भी नहीं है, हाँ राम नाम बोलने से उसी उन्हीं की भगवान की कृपा से हम ये आराम से पार करेंगे। ये जो भाव सागर है वो भी पार कर सकते हैं राम नाम से। तो ये भगवान की भगवान नाम का, भगवान के जो पवित्र नाम है उसका महिमा है कि भाव सागर को पार कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा कि चेतोदार्पणम आर्जनम बवा महादवाग्नि निर्वापनम। भाव सागर है जो बवा महादवाग्नि, भाव सागर ये जो दुखों का स्थान है, आग जल रहा है, बहुत दुख है, तो ये भाव सागर मतलब जन्म मृत्यु। तो निर्वापनम ये बंद हो जाता है, सारे दुख जन्म मृत्यु बंद हो जाते हैं। कैसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये भगवान के नाम बोलने से व्यक्ति सारे दुखों को पार कर सकते हैं। और ये एकमात्र उपाय है। अभी लोग ये कोरोना वायरस से परेशान है तो ये करना वो करना, सरकार ये कर रहे फूड रिलीफ और लॉकडाउन, ठीक है ये सब अभी करना जरूरी है, लेकिन अगर राम नाम कृष्ण नाम का प्रचार करेंगे कि सबको कीर्तन करना, और अभी नहीं केवल हमेशा, पहले भी, अगर पहले भी सरकार ने प्रमोट किया भगवान नाम कीर्तन हरि नाम, तो इसका जो अभी जो समस्या आ गया वो उसका तो वो तो आया ही नहीं था। तब वर्णन है जब राजा, बहुत पावरफुल राजा जो है वो जब राइचस है, धार्मिक है, जो युग धर्म जो है युग में उसको पालन करते और देख रहे कि लोग पालन करते, तब ये सारे बीमारी भूख ये सूखा, ये भूकंप, ये बीमारी कुछ भी नहीं है, बारिश समय से आता है, अबंडेंस मतलब बहुत ऐश्वर्य है खाने के लिए। वर्णन है कुछ समय गाय के पास इतना दूध था कि वो बाहर तो ऐसे दूध गिर रहे बाहर, आपने आप इतना दूध था, गाय संतुष्ट थे, मतलब धर्म पालन हो रहा है तब सब कुछ पर्याप्त है। हाँ सब कुछ पर्याप्त है भगवान की कृपा से।
और कोई दुख नहीं है, कोई बीमारी नहीं है लोगों को। तो युग धर्म है हरि नाम संकीर्तन, तो इसी युग में, कल युग में हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, राम नाम, हरे कृष्ण हरे राम, तो तब ये सारे दुख नहीं आएंगे। तो ये उपाय है। तो ये हनुमान ने भी समझ गया कि ये केवल एक बीमारी की बात नहीं है, सारे बीमारियों सारे जन्म मृत्यु को पार कर सकते हैं राम नाम से, यही सोल्यूशन है सारे चीज़ों के लिए। तो ये हनुमान को याद आया कि ये प्रॉब्लम नहीं होगा, राम नाम तो है। तो हमारा विश्वास होना चाहिए कि राम नाम और कृष्ण नाम पावरफुल है, और ये हमारा धर्म है हरि नाम जप करना और कीर्तन करना, उसका प्रचार करना, सारे लोगों का परम कल्याण कलयुग में। तो अभी वो हनुमान आकाश में है और वो वानर है कि देवी देवता ने उनका गुणगान किया, वो जब खोड़ गए अभी उस समय देवी देवता दिव्य दिव्य फूल वर्षा किया उनके ऊपर, उसके उसके बाद सारे देवी देवता उनका देखा, उनका गुणगान किया, सूर्य ने सेवा करने का प्रयास किया, उनने ये जो गर्मी है उसको बहुत कम कर दिया, वायु ने अच्छा ठंडा हवा पहुंचाया हनुमान को, देवी देवता मतलब ऋषि मुनि सब लोग गुणगान किया। तब सब लोग सोचा कैसे सेवा करेंगे, विशेष समुद्र, समुद्र जो देवता है, समुद्र का देवता, उन्होंने विचार किया कि मैं कैसे हनुमान की सेवा करूंगा, क्योंकि हनुमान राम के भक्त थे, तो हनुमान की सेवा करने से राम प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण शिक्षा है कि राम की सेवा नहीं परंतु राम के भक्तों की सेवा से राम जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये समुद्र ने ऐसा विचार किया, हम तो सीधा भगवान को देख भी नहीं सकते ऐसा, हम भगवान को नहीं समझ भी नहीं पाते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो वास्तव में एक माध्यम है जिसको संतुष्ट करने से भक्तों को, तो जरूर भगवान के पास सेवा आएगा और भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए कृष्ण ने कहा मत भक्ता पूजा अभ्यधिका, मेरे से और भी ज़्यादा पूजनीय है मेरे भक्त अधिका, मत भक्ता मेरे भक्त पूजा अभ्यधिका, वो पूजनीय है मेरे भक्त मेरे से और भी ज़्यादा, क्यों, क्योंकि भक्तों की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाता है। तो इस प्रकार समुद्र ने एक पर्वत, समुद्र के अंदर में एक पर्वत था मैनाका, मैनाका ये एक पर्वत था, उसके बाद में भी छोटा कुछ इतिहास है कि इंद्र ने पहले पर्वतों के पास बहुत वो पंख कहते हैं तो वो उड़ रहे थे। अभी साइंटिस्ट लोग सोचें क्या कोई कि जो पहाड़ है वो उड़ सकता है, हाँ ऐसे था पहले। तो कुछ ऋषियों को डर लगा तो इंद्र ने इसके वजह से ये पर्वतों के पंखे को काट दिया। तो वायु ने एक्चुअली ये मैना का को कुछ रक्षा दिया, तो वो समुद्र के अंदर में गया, समुद्र ने आश्रय दिया भी। तो अभी ये मैनाका को समुद्र ने कहा कि आप ऊपर जाइए और हनुमान को आश्रय दीजिए कि थोड़ा देर तक बैठेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे और बाद में आगे जाएंगे, इस प्रकार उनकी हम सेवा करेंगे। तो मैनाका ने वास्तव में पर्वत रूप मतलब पूरा पूरा बड़ा पर्वत आ गया ऊपर, समुद्र से बाहर निकल गया हनुमान के सामने। तब ये मैने का देवर देव रूप में वहाँ पर प्रकाट हो गया पहाड़ के ऊपर और हनुमान को बुलाया, आइए आप स्वागत है, बैठिए थोड़ा आराम कीजिए, रिफ्रेश हो जाइए। तो हनुमान ने कहा कि अभी तो मेरे पास समय नहीं है, आ,
हाँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं तो हाँ राम की सेवा में हूँ, अभी तो मैं आराम नहीं कर सकता हूँ। आप मुझे अनुमति दीजिए आगे जाने के लिए, अभी तो मैं समय नहीं है। फिर भी हनुमान ने एक काम किया, उनने पर्वत के ऊपर गया और टच किया पर्वत और आगे चले गए, 1 मिनट भी नहीं रुका, बस केवल टच किया और चले गए, प्रणाम दिया ऐसे। ठीक है, अभी ये देखकर देवी देवता बहुत सब आश्चर्यचकित थे कि हनुमान के पास कितना शक्ति है। अभी समुद्र के बीच में है, अभी मौका मिल गया आराम करने के लिए, फिर भी नहीं, अभी आगे जा रहे कैसे, बहुत शक्तिशाली है देवी देवता सोचते हैं। तब इंद्र ये अभी ये लोग विचार किए कि देखते हैं हम उनके पास कितना शक्ति है, उनका थोड़ा एग्जाम करेंगे, थोड़ा परीक्षा लेंगे हनुमान से अभी कि वास्तव में उनके पास कितना शक्ति है, देखते हैं। तो तब एक नाग, जो नागे नाग देवी है, सारे सर्पों और नागों के देवी जो है, वो हनुमान उनके पास गया, उनका नाम है सुरासा। सुरासा तो इंद्र ने कहा कि आप राक्षसी का रूप धारण कीजिए और हनुमान को रोकिए और हम देखेंगे उनका शक्ति किस प्रकार की है। हाँ, देखते हैं। तो अचानक से समुद्र से एक बड़ा राक्षसी, एक बड़ा सांप निकल गया और मुंह खोल रहे और बोल रहे कि आप तुम मेरा भोजन बन जाएंगे हनुमान। ब्रह्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आएगा वो मेरे मुंह में प्रवेश ही करेंगे, मेरा भोजन बन जाएगा, ये ब्रह्मा का आशीर्वाद, ऐसे बोल दिया। तो ये सुरासा ने कहा, तो हनुमान ने हंसने लगा, बोला कि मैं तो राम की सेवा में हूँ, रास्ते में हूँ, आप मुझे अभी परेशान मत कीजिए, अभी मुझे जाना है। और अगर ब्रह्मा का आशीर्वाद इस प्रकार का है कि मुझे खाना पड़ेगा, तो तब आप मुझे जाने दीजिए, मैं अपना सेवा करूंगा राम के लिए, बाद में मैं वापस आऊंगा तो तुम मुझे आराम से खा सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप भी फिलहाल मुझे जाने दीजिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट सेवा में हूँ, तो जाने दीजिए। तो सुरसा ने कहा कि नहीं, अभी ब्रह्मा का आशीर्वाद ऐसा, एक बार पहुंच गया मेरे पास तो हो गया, खाना ही पड़ेगा, बाद में तो नहीं होगा, अभी ही कहेंगे। तो ये सुरसा ने अपना मुंह खोल दिया, बहुत वर्णन है कि वो कितना 16 योजन तक मुंह लंबा था, ओपन किया। तो हनुमान ने अपना रूप विस्तार किया 20 योजन तक, बाद में सुरसा 30 योजन तक खोल दिया मुंह, हनुमान 40 योजन, सुरसा 50, और इस प्रकार जाते जाते बहुत बड़ा रूप हो गया। तो सुरसा ने अंतिम पूरा प्रयास किया और खोलने के लिए, तब हनुमान ने तुरंत इतना छोटा थंब अंगूठी के रूप में, अंगूठी का रूप का धारण किया, इतना छोटा रूप, और सुरसा के मुंह के अंदर चले गए, अंदर और बाहर, और वापस रूप धारण किया पहले जैसे, और ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी का आशीर्वाद, हम आधार किया, मतलब कि मैं आपके मुंह में चले गया, आप मुझे खा लिया, और अभी मैं आगे जा रहा हूँ भगवान की सेवा में, हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हनुमान ने ये परिस्थिति को ठीक कर दिया और चले गए आगे। तो वास्तव में सुरसा ने भी बोला कि आशीर्वाद आशीर्वाद दिया, क्योंकि ये देवांतों का परीक्षा था, देवी देवता बहुत प्रसन्न थे कि ये देखिए हनुमान की क्या उनने किया। लेकिन अभी आगे जाते हैं तो तीसरा असुर, वो वास्तव में असुर था, अभी तक तो सेवा और परीक्षा था, लेकिन अभी वास्तव में असुर आएगा। तो रास्ते में एक राक्षसी थी समुद्र में, सिमिका, सिमिका राक्षसी थी, और जब हनुमान को देखा देखा तो क्या हुआ,
उनको भूख लग गए, ओ अच्छा खाना है मेरे लिए। तो वो सिद्धि उनके पास थी सिमिकल की, कि जो हनुमान का छाया था धूप आए ऊपर से तो नीचे समुद्र में उनका छाया जा रहा है, तो उनने हनुमान की छाया को पकड़ लिया। तो ये श्रील प्रभुपाद भी बताते एक सिद्धि है ऐसे कि लोगों को छाया को पकड़ के लोगों को रोक सकता है, कंट्रोल कर सकते हैं। तो हनुमान भी उनको लगे कि रुक गए, उनका प्रगति रुक गया, कोई खींच लिया पीछे, तो केवल छाया को पकड़ लिया वो। और बाद में नीचे समुद्र से बड़ा राक्षसी बाहर आ रहे और हनुमान को खाना चाहते। आप देवी देवता सोचते अब क्या होगा। तो हनुमान ने क्या किया, उन्होंने सीधा राक्षसी के मुंह के अंदर चले गए, बस यथारूप अंदर चले गए, अरे खाने खाओ मुझे। और क्या किया उनने, सिमिका के अंदर में जो हृदय है हृदय को तोड़ दिया अंदर से, और बाद में यहाँ साइड से शरीर से बाहर निकल गया, तोड़ दिया शरीर और बाहर निकल गए, और राक्षसी गिर गए समुद्र खत्म। तो ये हनुमान वाला ने कि उनका शक्ति इतना था, उनका वो डायमंड जैसे कठोर है हनुमान, उन्हें अपने हाथ से अपने उंगलियों से जो हृदय है उसको तोड़ दिया पूरा, और शरीर को तोड़ दिया बाहर चले गए। तब देवी देवता पहले परेशान थे, अरे क्या होगा, हनुमान राक्षस के अंदर गया खत्म कलास। नहीं, हनुमान ने अंदर से ऑपरेशन कर दिया, हार्ट ऑपरेशन और फिनिश, वो गिर गए चले गए, हनुमान आगे जा रहे। तो देवी देवता तो देखा, अरे ये तो अभी लंका में उनका जो कार्य है बिल्कुल सफल होगा, देवी देवता ने कहा। तो हनुमान त्रिकुट पर्वत तक पहुंच गए और वहां पर रुक गए। तो अब हम देखेंगे कि एक चीज है हनुमान, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट शिक्षा है कि हनुमान जैसे कि वो अभी जब कूद गया तो रास्ते में तीन रुकावट आ गया, एक था पहले पहाड़ आराम करने के लिए, दूसरा था देवताओं तो की परीक्षा, और तीसरा था राक्षसी जो सिमिका जो उनको खाने के लिए प्रयास किया। तो हम देख सकते हैं कि भक्ति में जब हम प्रगति करने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो प्रगति मतलब नियम पालन हम करते हैं, 16 माला, सुबह मंगल आरती, शास्त्रों का अध्ययन, प्रचार करना, प्रोग्राम्स करना, बहुत सारे चीज़ें, और हम तो उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन बीच में परीक्षा आएगी, माया की परीक्षा। माया की परीक्षा अलग अलग प्रकार की हो सकते हैं और होता है, नो डाउट, और होगा जो व्यक्ति गंभीर है प्रगति के लिए। तो जितना भी हम गंभीर है तो ऐसे परीक्षा आएगी। तो एक है जैसे कि ये पहाड़ आ गया कि आपको आराम करना, मतलब माया की कार्य सेवा किस प्रकार की है, क्योंकि भगवान के पास केवल शुद्ध आत्मा जा सकते हैं जो बिल्कुल शुद्ध है। तो वो हम तो शुरुआत में बहुत गंभीरता से माला करते हैं सब कुछ, वो लग रहा कि अभी हम शुद्ध हैं, लेकिन माया की परीक्षा है, देखते हैं कितना शुद्ध है, कि आप वास्तव में भक्ति करना चाहते हैं या आप ठीक है थोड़ा आराम करेंगे, अभी आप थक गए, अभी मौका है आराम करने के लिए। तब ये एक परीक्षा है कि आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा आराम करेंगे या आप सेवा करेंगे। ये आप सोचेंगे हाँ सेवा के लिए मुझे आराम करना, हाँ करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, सेवा के लिए भी आराम करना चाहिए कभी, क्योंकि भौतिक शरीर है, लेकिन हम ज़्यादा महत्व आराम को देते और भगवान की सेवा हम काम कर लेते और हमारा माला छूट जाते, ये करते वो करते। तो ये माया की परीक्षा हो सकते हैं कि आप आराम कीजिए, अच्छे से ये कीजिए वो कीजिए, तब आप सेवा कर पाएंगे, और तब हम उसी में आराम में पूरा लग जाता है और हम सेवा को भूल जाते हैं।
तो ये एक माया की आकर्षण है। तो हनुमान ने बोला क्या कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है, अब मैं जाता हूँ। स्पर्श किया और चले गए आगे, आधार तो किया, गुस्सा नहीं किया, ये भी समझना है। ठीक है, बाद में करेंगे ये, अभी अभी तो सेवा, फर्स्ट सेवा। तो ये हमारे लिए कि सेवा करना है कि आराम, ये तबीयत की देखभाल में कि हम उसमें नहीं फंसेंगे, कि उसके वजह से हमारा जो बेसिक जो साधना है और सेवा वो रुक जाएगी। तो ये एक माया की परीक्षा है। तो हनुमान ने उसको अच्छे से टिक किया, बस आधार किया और आगे चले गए। दूसरा था देवांतों का परीक्षा। तो हम कई बार देखते हैं कि कोई भागती है, कोई साधु ऋषि तपस्या करते, बहुत तपस्या, तो इंद्र परीक्षा लेते हैं उनसे। परीक्षा मतलब उसको रोकने के लिए प्रयास करते हैं। मतलब ऑफकोर्स इंद्र को डर लग रहा है कि हम वो मेरे पद तक आएगा, तो इसलिए उसको हम रोकेंगे। तो अप्सरा को भेजेंगे, कंदार को भेजेंगे, कामदेव को, कि वो आकर्षित करेंगे। तो यहाँ भी हनुमान के लिए उनको ये उनकी शक्ति की परीक्षा लिया ने कि कितना पावरफुल है। और केवल ये शक्ति शरीर में नहीं, बट बुद्धि भी उन्होंने इस्तेमाल किया, कि उनने ब्रह्मा जी का जो आशीर्वाद था, कम से कम ऐसे बोल दिया कि आशीर्वाद ऐसा है कि कोई आएगा तो वो मेरे मुंह में जाएगा ही, वो मेरा भोजन बन जाएगा। उन्होंने उसको भी आधार किया और फिर भी समय वेस्ट, टाइम वेस्ट नहीं किया, आगे चले गया। तो ये देवांतों की परीक्षा बहुत ऐसे हो सकता है, बहुत डेंजरस हो सकता है। देवी देवता अलग अलग तरीक़ा से भक्तों की परीक्षा ले सकते हैं। और दोबारा एक ही पॉइंट है, एक ही सिद्धांत है यहाँ पर कि कृष्ण भक्ति से और कुछ करना, ये होगा कि आप ये करेंगे, ये कीजिए तो भक्ति बाद में कीजिए, अभी इतना बड़ा प्रॉब्लम आ गया जीवन में, इसके बाद जैसे आप भक्ति नहीं कर सकते हैं, ये तो कभी ऐसे नहीं हो सकते। शुद्ध भक्त जो है वो हर एक परिस्थिति में भक्ति कर सकते हैं, जितना भी कठिन परिस्थिति है हो सकते है। एक दृष्टिकोण से अगर हम क्लेश के अनुसार देखेंगे, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, आदि दैविक क्लेश जैसे कोरोना वायरस, वो एक दृष्टिकोण से आदि भौतिक आदि दैविक है, हाँ, क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, नहीं जैसे सूखा है, भूखा है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो देवता कर लेते हैं। और इस प्रकार इसका आउटब्रेक भी अभी इतना बड़ा है कि हमारे हाथ में नहीं है। दूसरे दृष्टिकोण से ये आध्यात्मिक बीमारी है, क्योंकि बीमारी मतलब शरीर में जब लग जाते तो आध्यात्मिक हो जाते हैं। आध्यात्मिक मतलब शरीर, मन और शरीर में जो प्रॉब्लम है वो क्लेश है, ये तो कोरोना ऐसे है अभी। तो मतलब अभी इसके वजह से हम परेशान नहीं होना चाहिए कि हम भक्ति अभी छोड़ेंगे, बाद में भक्ति करेंगे जब ये समाप्त होगा, ऐसा नहीं। इस परिस्थिति में भी ये परीक्षा है, अभी अभी और ज़्यादा करना है। तो हनुमान ने भी किया कि अभी उन्होंने ऐसा किया, एडजस्ट किया सिचुएशन और भक्ति आगे किया। तो देवांतों की परीक्षा। और सिमिका जो राक्षसी थी वो क्या किया, उनको दिवावर करने के लिए प्रयास किया, वास्तव में खाने के लिए। तो ये एक चीज़ है, हमारा काम वासना वो इतना पावरफुल है, तो हम हमारी भक्ति को बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म कर सकते अगर हम उसको सही तरीके से दमन नहीं करते। तो हनुमान ने क्या किया, उनने भागा नहीं काम राक्षसी से, वो सीधा उनके मुंह ही चले गए। तो हम अपने अनार्थ और काम वासना से भागना नहीं है, क्योंकि तो हमारे अंदर है। और अभी अगर हरि नाम से अभी तक शुद्ध नहीं हुआ तो क्या करना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए।
वास्तव में निस्वार्थ भाव से कामा कृष्णा करना कर्मार्पणे कामवासनो कृष्णा कर्म कृष्णा कर्म अर्पणे कृष्णा की सेवा में लगाना है। तो ये एक प्रकार का शक्ति है, वेग है, वो सेवा में लगाना, भगवान की सेवा करना है। इसी से निग्लेक्ट नहीं करना, हाँ मैं कंट्रोल कर रहा हूँ बैठना, ऐसे नहीं होगा, बस एक्टिविटी करना है। वही शक्ति एनर्जी भगवान की सेवा में लगाना, मंदिर साफ करना, बर्तन धोना, भूख वितरण करना, नागर कीर्तन करना, ज़्यादा जप करना है, भक्तों की सेवा, ये जो भी है ज़्यादा करना है, तब ये परेशान नहीं होगा, तब ये राक्षस कामवासना भी खत्म हो जाएंगे, सीधा उसको हम सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा, खत्म मतलब कामवासना शुद्ध हो जाएंगी, खत्म नहीं, वो इच्छा भगवान की सेवा में जाएगी, और उसके लिए जो भी करना जरूरी है तो हमें करना है, तो हम बच सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम ये अनार्थों को जो ऑफ कोर्स द्वेष द्वेष हम सेवा में नहीं लगा सकते, इसको प्यूरिफाई करना, फिर भी ये जो दूसरे अनार्थ हैं हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और वो शुद्ध हो जाएंगे और हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। तो इस प्रकार हनुमान ने डील किया, अलग अलग परिस्थिति में जो माया का आकर्षण है उन्हें उसको पार किया और सेवा आगे किया। तो इसके लिए जो जब रुकावट आता है भक्ति में और बहुत समस्या आ सकते हैं, नो डाउट, तब हमेशा याद करना चाहिए, कम से कम इतना याद होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का दास हूँ, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ, कोई भी परिस्थिति में है मैं हूँ, और बीच में कुछ समस्या आ गया, जबकि हम भगवान की सेवा करते गुरु की आदेश के अनुसार, कई बार माया की प्रकार प्रभाव ऐसे हो सकता है कि हम गुरु की आदेश भी पालन नहीं कर पाएंगे, जानते हुए भी कि करना चाहिए लेकिन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि माया ने पकड़ लिया, हमने माया को पकड़ लिया, तो उस समय मोह के अंदर में हम गलती कर रहे, लेकिन बार बार याद करना कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो मुझे गुरु की आदेश और भगवान की जो आदेश है वो मुझे पालन करना है, और उसके लिए प्रार्थना करना कम से कम। तो क्या है, कठिन परिस्थितियों में भी भगवान मदद करेंगे, तब कि हम वास्तव में वापस लाइन में आएंगे, वापस सही रास्ता में आएंगे। अगर हम भूल जाते, अगर हम प्रयास नहीं करते कि हाँ मैं कृष्ण का दास हूँ, बस मैं अभी इंजॉय करूँ, तो इंजॉय के लिए माया तो मौका देंगे, लेकिन अगर वो प्रयास है नहीं कि मैं कृष्ण का दास हूँ, ये याद करना कि मुझे यही एक मुख्य एकमात्र उपाय है, एकमात्र कार्य है, मैंने भगवान की सेवा करना है विधि के अनुसार, तो तब बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम उसी लाइन में उसी रास्ते में वापस आएंगे। नहीं तो अगर माया पूरा पकड़ लिया तो हम और हम प्रयास भी नहीं करते तो मदद कौन करेंगे, मदद अगर करेंगे भी भगवान तो हम उनका मदद लेना नहीं चाहते। तो ये प्रयास कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मुझे उनकी सेवा करना, या राम का दास, ये गुरु का, हाँ गुरु के माध्यम से हम भगवान की सेवा करते, तब भगवान हमेशा मदद कर रहे हैं ऐसे भक्तों को। तो हम ये सारे समस्याओं को, रुकावट जो आता है भक्ति में, उसको हम पार कर पाएंगे, हम आगे जा पाएंगे भक्ति में। अगर फॉल डाउन भी हुआ, फिर भी अगर वो प्रयास होगा तो भगवान मदद कर रहे हैं आगे जाने के लिए, तो इसमें कोई संशय नहीं है, ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल है। तो इस प्रकार हम हनुमान से प्रेरणा ले सकते कि उनके जीवन में कितना, और विशेष ये लंका जाने में कितना बीच में रुकावट था, फिर भी उन्होंने अपना जो हेतु है कि लंका तक पहुंचना है, राम की सेवा करना है, मतलब सीता की खोज करना है, ये मेरा मुख्य कार्य है, बाकी जो है
इम्पोर्टेंट नहीं है, और बीच में जो भी कुछ आता है उसको ये जो हम बोलते वर्णन है कि प्रतिकूल्यस्य वर्जनम अनुकूल्यस्य संकल्पा प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, जो अनुकूल है भक्ति के लिए वो करना और प्रतिकूल जो है वो छोड़ना। तो इस प्रकार हनुमान ने सब कुछ किया जो अनुकूल था उनकी सेवा कि उनका जो सेवा था राम के लिए वो करने के लिए उन्होंने अनुकूल चीज़ किया, और जो प्रतिकूल चीज़ है जो बीच में रुकावट आ गया उसको निकाल दिया। निस्वार्थ भाव से हमने प्रयास किया, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। हनुमान से हम सीख सकते हैं। अभी हनुमान लंका तक पहुंच गया और आगे उन्होंने क्या किया हम अगली बार देखेंगे। श्री हनुमान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।